लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या देख रहे थे, फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन देख रहे थे, तो वो समझ में आ गई सारी कौन कौन सी, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, है ना, वो सब कवर कर ली। कोलवी इलेक्ट्रोलिसिस भी अपन ने लास्ट में कवर किया था, तो कौन कौन सी हो गई, वुड्स, उसके बाद में मान लो फिटिंग, उसके बाद में वुड्स फिटिंग, उसके बाद में उलमान मान लो, उसमें कोलवे मान लो। तो अब अपन कौन सी देख सकते हैं आगे वाले देख, तो आगे वाले में जैसे कि मान लो अपन नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी लिखाई थी बताओ, हुंसडिगर। तो हुंसडिगर रिएक्शन में क्या होता है, हुंसडिगर हुंसडिगर रिएक्शन, चलो ये लिखो क्या है इसमें, है ना। पहले तो एक लाइन में रिएक्शन लिख लो, ये रिएक्शन किसकी है, तो बोले ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिडों की रिएक्शन है बेसिकली, क्लियर है ये बात, ओके। बाद में यहाँ पे क्या लेना होगा, तो यहाँ पे जनरली लिया जाता है मोश Ag2O, मॉइस्चर के अंदर Ag2O लिया जाएगा, और यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे Br2 लिया जाता है, मोस्टली Cl2 भी ले सकते हो लेकिन Br2, और वो भी एक्सेस में लिया जाता है, क्लियर है। और सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर टाइप ले लिया गया, मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप सॉल्वेंट ले लिया, और थोड़ा सा क्या कर दो, गर्म कर दो, तो गर्म करते ही आपको प्रोडक्ट बनेंगे क्या, RBr जैसे प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, क्या बनते हैं, RBr एल्काइल ब्रोमाइड जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऐसे रिएक्शन पता होने चाहिए, हुंसडिगर रिएक्शन मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना है अपन को, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का एक मेथड है हुंसडिगर रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो वो मैकेनिज्म कौन सी होगी, फ्री रेडिकल से रिएक्शन होके जाएगी, क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल की रिएक्शन है। चलो देखो मैकेनिज्म में पहले तो बताओ ये मोश Ag2O का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली मोश Ag2O का मतलब, तो बोलेंगे सर Ag2O में ना पानी डाल रखा है आपने, इनडायरेक्टली उसका मीनिंग ये है कि AgOH है उसमें, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो ये तो मतलब हुआ है ना। तो ये क्या करेगा भाई, आप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगने लग गया है ना मैकेनिज्म कैसे चलती है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आया सामने, आया AgOH आया, कैसी रिएक्शन होगी बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो ऐसे H2O करके निकल गया, RC डबल बॉन्ड OAG जैसे कंपाउंड्स बनने स्टार्ट हो गए, इज इट क्लियर, ओके। उसके बाद में क्या होना चाहिए, तो उसके बाद में बोलेंगे कि वो Br2 नहीं है, वो Br2, तो वो Br आएगा, है ना। जब हीटिंग चलती है ना इसमें, तो इसमें ये हीटिंग चलेगी, तो उस केस में क्या होता है कि भाई ये जैसे मान लो इसको गर्म किया, तो वो क्या देगा आपको, 2Br डॉट देगा। अब ये 2Br डॉट क्या करेगा, उसे इस बात का आइडिया है कि Ag को वो नहीं छोड़ेगा, AgBr की येलो PPT बनानी है उसे, तो वो इन 2Br में से 1Br को निकाल लेगा। तो जैसे ही वो 1Br को निकाल लेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O डॉट, क्या मिला, O डॉट, और प्लस में क्या मिला आपको, AgBr की PPT, कैसी कलर की होती है, येलो PPT, बात ठीक है। उसके बाद में बोलो क्या हुआ होगा, सीन बना होगा कि ये जो R वाला आपको मिला था, क्या मिला आपको, आपको मिला है बच्चों RC डबल बॉन्ड O डॉट, ये मिला है, ये क्या कर सकता है, CO2 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इधर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, CO2, और वो बाहर निकल गया, तो इसमें CO2 बाहर निकल जाएगी, और CO2 निकलने के बाद में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा R डॉट, क्या मिला, R डॉट। आपकी रिएक्शन में और कौन बच गया है, तो बोले यहाँ पे सर 2Br डॉट मिले थे ना, तो वो 1Br डॉट इसके पास में आएगा, तो 1Br डॉट इसके पास में आया, तो Br डॉट और R डॉट दोनों मिले, और दोनों के बीच में कंपाउंड मिल गया RBr। इस टाइप से बच्चों इसमें RBr जैसे कंपाउंड्स मिलते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। अब थोड़ा एक चीज़ और देखो, देखो ये तो सॉल्वेंट है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैंने एक्सेस क्यों लिखा है भाई, एक्सेस लोगे तो क्या कर लोगे भाई, एक्सेस अगर मान लो कल को नहीं लेता, तो इसका ये कहना है कि अगर आप बहुत सारा लोगे ब्रोमीन, तो आपको बहुत सारे रेडिकल्स बनेंगे, तो जब ये R डॉट वाला बनेगा, है ना, तो इतने Br डॉट होने चाहिए, उसके ऊपर फायर होना चाहिए, अटैक बहुत फास्ट होना चाहिए, तब RBr मिल जाएगा। कल को मान लो एक आधा Br लिया आपने, तो फिर बोलेंगे जो ये मिलेगा मान लो,
तो ये और ये R डॉट ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी, रिएक्शन तो ऐसे चल रही होगी, है ना। तो एक मान लो ये मोल बना, तो उसके मान लो लेट सपोज आगे वाली स्टेप में R डॉट बना, तो वो पीछे वाली स्टेप के साथ कंबाइन हो के एस्टर देने लग जाएगा। फिर तो क्या मेरी बात सुन रही है, वो एस्टर देने लग जाएगा। इसी वजह से Br2 अपन बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेते हैं, ताकि वो उससे पहले ही Br डॉट इस R डॉट पे अटैक करे और आपका मेजर प्रोडक्ट RBr बनना स्टार्ट हो। लेकिन बुक्स में कई बार मान लो एक्सेस में ना लिखा रहे तो चलेगा, आप प्रोडक्ट आपको RBr जनरेट करना है। इट क्लियर और नॉट? ओके। अगर मान लो इसी रिएक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करना होता बच्चों, यही मैकेनिज्म होती है, यही काम होता है, बस यहाँ पे Br2 की जगह क्या होता है, Br2 की जगह अगर I2 होता, क्या नाम होता, अगर I2 होता, तो यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि सर इधर भी Ri बनना चाहिए था, है ना, इधर Ri बनना चाहिए था। चलो सोचते हैं, सबसे पहले ऐसे काम हुआ, ये काम हुआ, ये हुआ, ओके, यहाँ Br2 नहीं है, यहाँ कौन है, I2। तो अगर यहाँ पे I2 है तो II है, तो ये क्या करेगा, ये दो I डॉट देगा, और I डॉट तो स्टेबल है, Br डॉट तो रिएक्टिव ज़्यादा है, I डॉट पड़ा रहेगा। इसी वजह से वो I डोनेशन याद है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती थी, चलता नहीं था। यहाँ पे क्या बना, RI बना, RI की भी बच्चों येलो पीपीटी होती है, थोड़ी डार्क येलो मान लो, ठीक है, ये बना होगा, ये भी बना होगा, सारे काम हुए होंगे। यहाँ पे I डॉट आया होगा, अब क्या आया होगा, I डॉट। तो I डॉट जब तक आएगा, I डॉट इतना कम रिएक्टिव होता है, I डॉट इज वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, ये इतना कम होता है, ये इस पे जाके अटैक करे उससे पहले तो ये प्रीवियस वन जो बना था जिससे CO2 निकल रही थी, ये रिएक्शन इधर आ रही थी, तो उनके साथ ये कंबाइन होके ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे देना स्टार्ट कर देगा, क्या, एस्टर, R, C, डबल बॉन्ड O और R, मीन्स वॉट, के ये एज ए एस्टर प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाली रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, मेरी बात सुन रही है। तो बोलेंगे अगर आप यहाँ पे Br2 की जगह I2 लेते हो, और चाहे आप एक्सेस में लो चाहे मत लो, क्योंकि रिएक्शन आई डॉट करने वाला नहीं है, आर आई जैसे प्रोडक्ट मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आई डॉट जो होता है वो स्टेबल ज़्यादा होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव कम होता है, तो इतना टाइम नहीं देता है कि वो उस पर अटैक करे, तो उससे पहले ही प्रीवियस वन के साथ वो कंबाइन होकर मेजर प्रोडक्ट एस्टर देने लग जाता है। तो इन केस ऑफ आई टू द प्रोडक्ट विल बी एस्टर, द प्रोडक्ट विल बी एस्टर, देन द नेम रिएक्शन इज वॉट, फिर बाद में अगर आपने आई टू ले लिया तो उस रिएक्शन का नाम बच्चों हुस्टिगर्नी होता, उस रिएक्शन का नाम होता है सिमोनिनी, क्या नाम होता है, सिमोनिनी रिएक्शन, इसका मतलब हुस्टिगर और सिमोनिनी एक ही था, वैसे उसने यहाँ पे आई टू लेके देखा तो उसने ये एक्सपेक्ट किया था RBr बनना, RI बनना चाहिए, बट उसको एस्टर एज ए प्रोडक्ट मिला, तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई नाम तो देना चाहिए, तो उसको सिमोनिनी अपन ने नाम दे दिया। प्लीज राइट डाउन, क्लियर है, ओके बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, जो फ्री रेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन पहले इसके कुछ एग्जांपल करेंगे अपन, चलो एग्जांपल करते हैं कुछ, है ना। तो पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं ताकि टाइम बचे। चलो देखो ये कुछ एग्जांपल से इनको कवर करते हैं अपन। क्या फंडा रहेगा, CO2 हटा दो, डॉट बनाओ, वहां पे Br को जोड़ दो बस, है ना। चलो देखो ये हटाया, डॉट बनाया, उधर Br जोड़ दिया, Br के केस में, तो Br के केस में तो हुस्टिगर रिएक्शन हो जाएगी, Br बना। यहाँ पे क्या होगा, हटाया, इस पे डॉट बनाया और Br जोड़ दिया, तो EtBr बन गया। इसमें क्या करना है भाई, बोले CO2 हटाया, डॉट बनाया, तो ये कभी 14 नंबर कार्बन के साथ Br लग सकता है क्या, नहीं सर, डॉट उधर आएगा कैसे, आ ही नहीं पाएगा, तो CH3 14 CH2 Br बन गया। इसमें देखो ये डॉट बना, अब बोले ये डॉट बना तो ये रेजोनेंस जरूर कर सकता है, इज इट क्लियर। तो अगर ये रेजोनेंस कर सकता है तो उसके एक RS और आप क्या बनाओगे, तो बोले CH2 14 वाले पे डॉट आ जाए और CH डबल बॉन्ड CH2 एक ये बन सकता है, तो इसका मतलब दो Br लग सकते हैं फिर, तो दोनों स्टाइल से, एक ये वाली स्टाइल हो सकती है, देखो इधर एक Br लगा और एक वाला केस कौन सकता था, इस वाले डॉट के साथ लगे,
है ना, तो डबल बॉन्ड CH2 14 Br, दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसमें बोलना CO2 टाया, डॉट बनाया, Br जोड़ दो, तो ये Br जोड़ दिया। इसमें बोलना तो ये एक्चुअली के अंदर यहाँ पे जब डॉट बना था तो मुझे ये बताओ फ्री रेडिकल कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। तो जब आप कार्बोकेटाइन पे अटैक करते थे तो बार बार बोलते थे ना सर इधर से भी अटैक, बैक साइड से भी अटैक, तो बोले रेडिकल भी तो sp2 होता है, तो रेडिकल पे अटैक करना या कार्बोकेटाइन पे अटैक करना पॉसिबिलिटी तो दो ही होगी। इसका मतलब ये Br इधर भी लग सकता है और ये Br इधर भी लग सकता है, बाकी तो एज इट इज सेम रहेगा। क्या बोलते हो इसके बारे में, बराबर है? ये डी और एच तो ये दोनों मिलेंगे ना प्लस माइनस, तो अगर ये प्लस माइनस दोनों मिलेंगे तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। इसमें बोलना एक बार डॉट बनाया ये, तो डॉट बनाया तो यहाँ पे क्या जोड़ दूँ बच्चों, Br जोड़ देता हूँ, बराबर है? ये Br जोड़ दिया। इसमें क्या करोगे, इस ये कौन सी रिएक्शन है ना, सिमोनिनी, उसमें क्या होता है एस्टर बन जाता है, क्या याद है? तो एक बार मैंने इसे डॉट बनाया यहाँ पे और एक बार CO2 निकलने से पहले, एक बार CO2 निकलने से पहले उसको उसके साथ कंबाइन कर दिया तो एस्टर बन गया ही। सेम इसके साथ क्या होगा भाई, डॉट बनाया तो CH3CH2 डॉट, और एक बार CO2 निकलने से पहले तो दोनों को जोड़ दो, तो जैसे दोनों को जोड़ोगे तो एस्टर बन जाएगा। कई बार बच्चों जैसे कि मान लो ऊपर वाले का काम क्या है, मोस्ट Ag2 क्या करेगा, तो मोस्ट Ag2 उस जो एसिड है उसको सॉल्ट बनाने का तो काम करता है। तो कोल पहले मान लो सॉल्ट दे दूं तो मान लो मैंने सिल्वर सॉल्ट दे दिया आपको पहले से ऑलरेडी दे दिया, तो बोले पहले ही दे दिया तो फिर वो ऐसे थोड़ी देगा मोस्ट Ag2, तो वो जो सेकेंड रिएजेंट है वही देगा डायरेक्ट Br2, लो अटैक कराओ तो बोलेंगे वो बात तो एक ही है, डॉट बना और AtBr बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्या आपको रेडिकल की रिएक्शन कंप्लीट हुई? एक रिएक्शन और रह गई, कौन सी, रीड्स रिएक्शन, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो एल्केन की एक्चुअली के अंदर एक रिएक्शन है, वो आप खुद बोल दोगे सर इसमें यही होगा और तो उसमें कुछ नया नहीं होना ना। देखो मान लो एक रिएक्शन का नाम बोलते हैं अपन जिसका नाम है रीड्स रिएक्शन, तो इस रीड्स रिएक्शन में क्या होता होगा, ये एल्केन लिया ना, यहाँ पे रिएजेंट मान लो SO2Cl2H2, क्या बनना चाहिए, तो सर वो Cl2H2 होता तो क्या बनाते, तो वही इसमें और क्या है, है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा RCl बन जाएगा। वैसे ये बच्चों रीड्स रिएक्शन है, नाम दे दिया इसको, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको बोलेगा मैकेनिज्म बोलना तो आप खुद सोचो कैसे होगी मैकेनिज्म भाई, तो बोलेंगे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर Cl, इसको जब H2 के साथ हीट किया गया तो ये रेडिकल में ब्रेक हो गई, है ना, ये रेडिकल में ब्रेक हो गई ऐसे, तो जब ये रेडिकल में ब्रेक हो गई तो डबल बॉन्ड O और इधर ऐसा बन गया, क्या बोलते हो, इस टाइप से बन जाएगा ही, है ना। अब क्या होगा, तो अब सेकेंड रिएक्शन आएगी, RH आया, RH, है ना, तो ये RH क्या करेगा भाई, RH आया जो कि S डबल बॉन्ड O डॉट और इधर Cl, क्लियर है। पहले ये काम करेगा ये H लेकिन अंदर पहले ना ये Cl डॉट के साथ आता है, वो क्या करता है इसका H डॉट बन के निकाल लेता है और इसको तो R डॉट बना देता है, जिसे प्रोपोगेशन स्टेप बोलते थे ना अपन, और साथ में HCl निकल जाता है। अब क्या होता है कि ये R डॉट और साथ में S डबल बॉन्ड O Cl डॉट ये आते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, तो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, पहले S डबल बॉन्ड O Cl, बाद में क्या होता है, बाद में इस टाइप से इसको सोचा जाएगा कि ये रिएक्शन ऐसे हुई इधर डॉट क्योंकि गर्म H2 तो चल रहा होता है ना साथ में, सनलाइट तो चल रही होती है, उस केस में क्या होता है ये भी रेडिकल बन जाएगा, ये भी रेडिकल बन जाएगा, तो उस केस में देखो यहाँ डॉट आएगा यहाँ डॉट आएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा RCl डॉट और डॉट कंबाइन हो गए और ये बीच में क्या निकल जाती है SO2 निकल जाएगी, क्योंकि एक डॉट इसका एक डॉट इसका तो अपने आप में वो लोन पेयर कहलाएगा, क्लियर है, वो स्टेबल है, SO2 तो बनती है ना, तो RCl जैसे कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं, इसका नाम होता है बच्चों रीड्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो फ्री रेडिकल से रिएक्शन है मैंने आपको बताई, और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या चल रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब आगे मूव करते हैं अपन, तो बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने पढ़ ली, कौन सी, SN1 SN2 SNI, ये सब सारी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल रिएक्शन देखी, तो वो भी कवर कर ली। अब थर्ड नंबर पे आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों यहाँ नहीं पढ़ेंगे अपन, ये एथिल के अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, जैसे बेंजीन, तो बेंजीन का चैप्टर आएगा एरोमेटिक कंपाउंड, उस एरोमेटिक कंपाउंड में ही पढ़ेंगे इसको, क्लियर है ये बात। ओके, तो चाहो तो आप क्या लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम सब किस में पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। ओके, अब सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी आती है, सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन प्रक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, बस कुछ निकल जाना चाहिए उसे बोलेंगे एलिमिनेशन, आया अटैक किया उसको बाहर किया, सब्स्टिट्यूशन, बस कोई अटैक नहीं किया, अपने ही मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ चला गया, उन्हें बोलेंगे बच्चों अपन एलिमिनेशन रिएक्शंस, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन का फंडा बहुत इजी है, कि आप किसी को अगर मान लो एलिमिनेट करोगे, तो एलिमिनेट करोगे तो अपने आप को जाएगा नहीं, तो अपने आप जाएगा नहीं तो गर्म तो करना ही पड़ेगा, इसका मतलब ऑल टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड हीटिंग, हीट करने से ही अपन को एलिमिनेशन रिएक्शनों का पता चलता है। ज़्यादातर एरो पे क्या लिखा रहेगा, इसे गर्म किया हुआ, तो आपको आइडिया लग सकता है कि सर ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। होता क्या है, सीन देखते हैं थोड़ा सा, कि अपने पास मान लो कोई कार्बन वार्बन होंगे, साथ में कोई लिविंग ग्रुप लिखा रहेगा, मोस्टली एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है ना ये। ओके, उस कार्बन को अपन अल्फा नाम देंगे, जिस कार्बन के साथ बच्चों एक्स लिखा हुआ है, उस पास वाले को मान लो बीटा दिया, या हाइड्रोजन तो बहुत होंगे लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लो ये बीटा वाला हाइड्रोजन है, क्लियर है। अब यहाँ पे कोई ना कोई बेस आएगा, अब वो स्ट्रोंग आए चाहे वीक आए, लेकिन बेस उसको आना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बेस का क्या काम होगा, एच को हटाना, तो अगर ये एच को हटाना तो बोलेंगे कौन से एच को हटाया, मान लो इसे एच को हटाया इसने, मेरी बात समझ में आई, तो इस एच को हटाया तो यहाँ पे क्या बना होगा, नेगेटिव चार्ज बना होगा, भाई ये जब एच प्लस ले गया होगा तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक किया होगा और ये पाई बॉन्ड बनाया होगा तो ये एक्स बाहर चला गया होगा, इसका मतलब कुछ इस टाइप से कंपाउंड बन गया होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और साथ में एच एक्स जैसे कंपाउंड्स निकल गए होंगे, तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, एलिमिनेशन हो गया, इस मॉलिक्यूल में एक एच और एक एक्स निकल गया सर, तो बोलेंगे कुछ ना कुछ सर निकला ही है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब बोलेंगे फॉर एलिमिनेशन अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, बेस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ेगा अपने, क्या कि सर बेस कौन होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो जिन पे लोन पेयर होता है, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल भी तो कौन होते हैं, तो सर जिन पे नेगेटिव चार्ज हो लोन पेयर होते हैं वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब आज आपका जो ज्ञान है वो काम आएगा कि अब ये बेसिक करेक्टर अगर उसने शो किया तो एलिमिनेशन, और अगर इसने अपना न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर शो किया तो एक्सपेटेक बाहर सब्स्टिट्यूशन, मतलब या SN1 या SN2 में से कोई काम होगा, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे अपन को आइडिया लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, कि सर ये रिएक्शन एलिमिनेशन होगी या फिर ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगी, वो कैसे पता करेंगे, थोड़े बहुत ऑप्शनों को भी देखेंगे, थोड़े बहुत क्या देखेंगे, रिएजेंट्स को देखेंगे, मान लो ओब्लिक लगा के हीट किया हुआ है तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि सर ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों के लिए नहीं चाहिए अपन को हीटिंग, और इसके लिए अपन को चाहिए हीटिंग, तो एक तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है, क्लियर है बात। ओके, इसके हिसाब से ऑन द बिहाफ ऑफ रिमूवल ऑफ एच और एक्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एलिमिनेशन जो बेसिकली वो तीन टाइप की होती है, एक होती है बच्चों इवन के नाम से, इसे बोलेंगे इवन रिएक्शन। तो इवन रिएक्शन में क्या करना होगा, इवन रिएक्शन में ऐसे सोचना कि जैसे SN1 में क्या होता था, पहले लिविंग ग्रुप का अपने आप निकलना, कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होना, फाइनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। अब ये बेस जो है इस एच को पहले निकालेगा या फिर एक्स पहले निकलेगा, उसके हिसाब से एलिमिनेशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है। कैसे, इवन रिएक्शन में क्या होगा, एक्स माइनस पहले चले जाएगा, एक्स माइनस लीव्स फर्स्ट, पहले चला गया, और पहले चला गया तो डेफिनेटली क्या बन गया होगा, कार्बोकेटाइन बन गया होगा। ओके, एंड कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल, कार्बोकेटाइन ने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया, एंड देन बाद में क्या हुआ होगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट
बीटा एच, बाद में वो बीटा एच को निकाला होगा, क्या हुआ होगा देखो, पहले x निकला, x माइनस बन के, बाद में कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन ने रीअरेंजमेंट किया, फाइनली जो कार्बोकेटाइन बना उसके पास वाले कार्बनों से उसने H हटा हटा के डबल बॉन्ड बनाने स्टार्ट किए। अगर ऐसा कभी काम हुआ तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इवन रिएक्शन। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों ना, अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा माइंड में से रफ आइडिया चलना चाहिए। E2 में क्या होगा, साइमल्टेनियसली x का निकलना और बेस का h निकालना एक साथ काम होंगे, क्या होंगे, एक साथ काम होंगे। इट मींस x लीव्स एंड बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा h साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ निकलेंगे वो दोनों ना, एक साथ वो काम होगा, पहले बाद में की कोई बात नहीं है। इधर से बैक साइड से बीटा एच लेने आएगा बेस, और उधर से एक्स का निकलना, ऐसे दोनों एक साथ होंगे, उस केस में अपन क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज ई टू रिएक्शन। ओके, एक होती है बच्चों ई वन सी बी, ई वन सी बी, इसके नेम वगैरह सब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी टेंशन मत लो। ई वन सी बी में क्या होगा, पहले बच्चों बीटा एच हटेगा, पहले क्या होगा, पहले बीटा एच अटेगा, वहां पे नेगेटिव बनेगा, ये अटैक कर गया एक्स माइनस को, बाद में बाहर करेगा, दोनों तीनों में इतना डिफरेंस होता है। बीटा एच एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट बाय बेस एंड देन एक्स माइनस लीव्स, बाद में क्या होगा, एक्स माइनस जाएगा। तो ये तीन टाइप की बेसिकली अपने पास रिएक्शन होती है, हालांकि एक ई आई करके भी रिएक्शन होती है जिसे इंट्रा मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन वो ठीक है, वो बात यही होती है, वो माफी राके है ना। तो ये बेसिकली तीन डिफरेंस है, क्या सिखाया मैंने आपको बच्चों, ईवन रिएक्शन मतलब पहले लिविंग ग्रुप का जाना, कार्बोकेटाइन का बनना, रीअरेंजमेंट होना, बाद में जो बीटा एच है उनका हटना, बराबर है। E2 में, तो E2 में कोई कार्बोकेटाइन का सीन नहीं होता है, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, साइमल्टेनियसली एक्स का जाना, इधर से एच का जाना और बीच में डबल बॉन्ड का जाना, वैसे सीधी सी बात, पहले बीटा एच हटा दिया, नेगेटिव बनाया, अटैक किया, एक्स को बार किया, अगर ऐसा किया तो ईवन सीबी के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पे इसका सीबी का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड बेस, जो कि अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब अपन वन बाई वन इसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे वो रिएक्शन होती है वो सब देखते हैं ना, थोड़ा ग्रफ आइडिया तो लगा ना आपको क्या होने वाला है मतलब। ओके, देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ईवन रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना, और वो भी किसकी, ईवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है वो ईवन रिएक्शन शो करता है एल्कोहल। तो इसका रिएजेंट क्या होगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि ईवन करानी है, तो रिएजेंट जो होगा वो होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर अपन क्या लेते हैं कई बार कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, लेकिन बेस्ट ये है, ज़्यादातर बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बेस्ट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यू नो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इनडायरेक्टली क्या होता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर इसको पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, इसका काम है ये। जैसे अगर अपने चमड़ी पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिर जाए ना, तो वो ग्लूकोज का पूरा H2 एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन कार्बन रह जाता है, जिसलिए अपन को ऐसा लगता है चमड़ी जल गई है, स्किन जो है ब्लैक ब्लैक हो गई है ना। तो ये क्या करने वाला है, ये एल्कोहलों से H2 हटाने वाला है ना, और साथ में क्या लिखा रहेगा, हीटिंग, हीटिंग के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिक्वायर्ड्स हीट, आपको गर्म तो करना ही पड़ेगा, इज इट क्लियर। ओके, अब अपन चलते हैं, देखो पहले तो लिखते हैं कैसे होता होगा, देखो R CH2 CH2 OH, या फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल ही ऐसा लेता हूँ, देखो CH3 CH2 CH2 OH, एक बच्चों ये एल्कोहल लिया, बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैंने आपको एल्कोहल की SN1 बताई थी ना, उसको मैं पास में लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा कंपैरिजन करने में आसान रहेगा और चीज़ें समझ में ज़्यादा आएगी। जैसे कि मान लो
एच एक्स के साथ रिएक्शन करानी है, मान लो कॉन्सेंट्रेटेड एच आई के साथ रिएक्शन करानी है, बोलो आप मुझे सजेस्ट करोगे अब क्या होना चाहिए भाई? क्या कॉन्सेंट्रेटेड एच प्लस इसके पास एच प्लस है क्या? क्या कॉन्सेंट्रेटेड एच आई के पास भी एच प्लस है क्या? हाँ दोनों के पास एच प्लस है। एल्कोल ईथर एच प्लस को देखते हैं क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड, तो बोले ये सर प्रोटोनेटेड हो गया ऐसे करके, बराबर है, तो ये भी सर प्रोटोनेटेड हो गया, तो दोनों रिएक्शन आगे सेम चल रही है अभी तक तो। ओके यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो बोले यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH2 OH2 पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गया प्रोटोनेटेड। इसमें भी क्या हुआ होगा, सेम ही काम हुआ होगा, CH2 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 OH2 पॉजिटिव चार्ज, क्या ये बात ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ होगा, उसके बाद में ये H2 हटा होगा, ये भी H2 अपने आप निकल गया होगा, अपने आप निकलता है H2 तो बाद में क्या जनरेट हुआ होगा बच्चों, कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ होगा, तो बोले इसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन बना, इसमें भी कार्बोकेटाइन बना, दोनों में कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। ओके बाद में क्या होता बताओ, प्योर कार्बोकेटाइन बना है तो कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट होगा। ओके फिलहाल अल्फा एच कितने हैं इसके पास, दो। ओके इसके पास अल्फा एच कितने हैं, दो, तो ये क्या करेगा अपने आप को स्टेबल, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में वो यहाँ से एच हटके हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई, तो देखो ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा, ठीक बात है, यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना होगा। इतना सभी को समझ में आया नहीं आया? ओके अब क्या होगा, अब सीन बदलेगा, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने जब H प्लस दे दिया था तो क्या रह गया, HSO4 माइनस, तो अब इसके सामने तो कौन आएगा, इसके सामने तो यहाँ पे लास्ट में अपना योगदान देने आएगा HSO4 माइनस, और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों आई माइनस, यहाँ पे कौन आएगा I माइनस। अब आपको पता होना चाहिए कि I माइनस क्या करेगा, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है ना, तो I माइनस जो होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा होता है, आपको याद है ना I माइनस की कहानी, एच आई एसिड बहुत अच्छा होता है, तो एच आई एसिड अगर बहुत अच्छा होता है तो I माइनस स्टेबल होता है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाली सीरीज याद है क्या, सफलता की सनक इंडिया होलैंड को आज़ादी को बर्बाद करती है, उसमें इंडिया मतलब बहुत आगे आता है I माइनस, है ना, इट मीन्स I माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बेस, I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बेस, इट मीन्स I माइनस वॉन्ट्स टू अटैक ए कार्बोकेटाइन, और ये इस पे जैसे अटैक किया तो अपन को किस टाइप का प्रोडक्ट मिला, अपन को बच्चों प्रोडक्ट मिला इस टाइप का, और ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है, ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि सर OH चला गया और I जुड़ गया, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज SN1 रिएक्शन, इसे क्या बोलते थे अपन SN1, याद आ रही है, क्योंकि उसकी जो रेट वो प्रोटोनेटेड एल्कोल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना वो तो फास्ट में होता था, क्योंकि ये क्या हुआ है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट, एसिड बेस रिएक्शन इज फास्ट। ओके बाद में लिविंग ग्रुप काटना, लिविंग ग्रुप काटना स्लो, दिस वन इज RDS, लिविंग ग्रुप काटना, दिस वन इज स्लो RDS, क्यों, कार्बोकेटाइन बनेगा। रीअरेंजमेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, फास्ट स्टेप में, रीअरेंजमेंट हमेशा क्या होता है फास्ट स्टेप में, अटैक भी क्या होता है फास्ट स्टेप में। अब HSO4 माइनस थोड़ा बड़ा है, बल्कि है, तो वो अटैक करना चाहेगा या H प्लस को हटाना चाहेगा, तो सर HSO4 माइनस जो है वो एक अच्छा बेस है न्यूक्लियोफाइल से, इट मींस इट इज ए बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कम शो करना चाहेगा और अपना बेसिक करेक्टर शो ज्यादा करना चाहेगा, एंड आई माइनस के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बेस। तो यहां से अगर वो HSO4 माइनस H प्लस को हटाएगा तो बोलेंगे कहां से हटाएगा, कौन से हटाएगा, तो कार्बोकेटाइन जो है उस कार्बोकेटाइन का नाम मैं अल्फा लिख रहा हूं, उसके पास वाले सभी के सभी को मैं बीटा बोल रहा हूं, क्लियर है, तो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता था, तो बोलेंगे सर यहां पे भी तो है, अगर उसने इसे H को हटाया, H प्लस को हटाया, तो यहां नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे, इसका मतलब इसमें तो सर दो टाइप के डबल बॉन्ड बनने के चांस है, कि एक तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, एक तो ये हो सकता है,
अगर उसने बीटा एच या वाला हटाया तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, कौन सी, सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दो बनेगी। अब दो एल्कीन बनी तो आपने क्या नोटिस किया कि यहां का एक OH और एक एच मिलके एच टू निकल गया ना, तभी तो बीच में डबल बॉन्ड आया होगा, तो इसी वजह से इस एल्कोहल के बारे में आप क्या बोलोगे, इस एच टू निकल गया है, तो इट मीन्स इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डी कब लगाया जाता है, तो डी लगाया जाता है जब कोई चीज निकल रही है, तो आपने क्या किया है, हाइड्रेशन, हाइड्रेट का मतलब पानी, तो डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इसी का नाम है इवन रिएक्शन का, क्लियर है। तो आपने ओवरऑल एलिमिनेट कर दिया, तो वो रिएक्शन देखो बच्चों E1 से चली गई और ये रिएक्शन देखो बच्चों SN1 से चली गई। क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाया कि E1 और E2 में, सॉरी E1 और SN1 में क्या फर्क है, सेम काम होता है, बस लास्ट में जाके अटैक कर दिया तो SN1 और अगर H+ हटा लिया तो E1, बस इतना सा ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो HSO4- एल्कोहल के लिए बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब बोलेंगे सर ये बनाएंगे एल्कीन या फिर ये, तो आप खुद देख लो एल्कीन की स्टेबिलिटी, इसमें अल्फा एच कितने हैं 6, इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा, और ये तो नारा है अपने पास हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट मेजर बनेंगे, और ये क्या बनेगा माइनर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेतजेफ और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था होफमैन। सेतजेफ और होफमैन एल्कीन्स होती है, एल्कीन के बारे में उसने डिस्कस किया था, उसने ये बताया था कि जो एल्कीन स्टेबल ज्यादा होगी वो एल्कीन जो बनेगी उस एल्कीन का नाम अपन क्या लिखेंगे, सेतजेफ एल्कीन। तो बोले सेतजेफ एल्कीन का मतलब क्या होता है कि मोर स्टेबल एल्कीन, जो लेस स्टेबल एल्कीन होगी उसका नाम होगा बच्चों होफमैन एल्कीन। क्या नाम होगा, होफमैन एल्कीन, होफमैन एल्कीन। तो इवन रिएक्शन में मेजर कौन सी बनेगी, सेतजेफ एल्कीन, और माइनर कौन सी बनेगी, होफमैन एल्कीन। तो सेतजेफ का मतलब जो एल्कीन स्टेबल ज्यादा हो, मोर स्टेबल एल्कीन, क्लियर हुई ये बात। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो तो लिख लिया। चलो इस इवन के बारे में कुछ खास बातें लिखते हैं ना, ये अपनी इवन रिएक्शन है, ये तो SN1 थी। इवन रिएक्शन में क्या करना है एल्कोहल वाले में, इसके की पॉइंट लिखो। चलो पहला पॉइंट बताओ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन, ओके। सेकंड स्टेप में क्या होता है, H2 का रिमूवल होता है, वही अपनी स्टेप क्या होती है, RDS होती है ना। इन सेकंड स्टेप दूसरी स्टेप में क्या होता है, H2 molecule is removed, अपने आप निकलता है, और वही क्या होती है, एंड दिस इज RDS, RDS का पूरा नाम क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। अगर मैंने बोला कि रेट ऑफ इवन रिएक्शन, रेट ऑफ इवन रिएक्शन कैसे डिसाइड करोगे, तो रेट कांस्टेंट इनटू बताओ RDS में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सर ये तो अपने आप हट रहा है, तो केवल एक ही तो है ही जो हट रहा है, बस रिएक्टेंट साइड एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब एल्कोहल प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे, है ना, इसलिए यहाँ पे वन ही आएगा ना, तो वन आएगा तो इसका मतलब उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑर्डर वन सर। मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, तो सर एक ही तो मोलिकुलर RDS में पार्टिसिपेट किया है इसलिए मोलिकुलरिटी भी वन, इसी वजह से तो उसे E1 बोलते हैं, ठीक है ना, E1 उसका नाम रखा गया, ओके। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट पे अपन ये लिखेंगे, बताओ क्या कार्बोकेटाइन बनता है E1 में, हाँ, और कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो फिर वो रीअरेंजमेंट भी होगा, इसका मतलब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म, कार्बोकेटाइन बनता भी है एंड रीअरेंजमेंट पॉसिबल, एंड रीअरेंजमेंट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि अगर बनेगा तो सब कुछ होगा, ठीक बात है, ओके बच्चों। रिएजेंट याद रह जाएगा ना, रिएजेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग, ओके। एक बात और क्या लिखोगे बच्चों, इवन रिएक्शन या फिर कोई भी
ऑल एलिमिनेशन, इवन की बात नहीं है चाहे कोई भी आ जाए, रिक्वायर्ड हीटिंग, आपको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, एक ही तो पाई बॉन्ड बनता है, तो दो सिग्मा तो दौड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है एलिमिनेशंस, ऑल एलिमिनेशन रिक्वायर्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड हीटिंग, हीट करना पड़ता है, विदाउट हीटिंग काम नहीं चलेगा। चलो एक पॉइंट और लिख लो, क्या लिखना है भैया आपको, वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि HSO4 माइनस जो होता है ना वो अटैक करना कम पसंद करता है, वो H प्लस को हटाना ज़्यादा पसंद करेगा। HSO4 माइनस इज बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल, इज इट क्लियर? ओके चलो बताओ, इवन रिएक्शन किस टाइप के एल्किन बनाएगी एज ए मेजर प्रोडक्ट, सेथजेफ या ऑफमैन? सेथजेफ। ओके तो अपन क्या बोलेंगे, इवन रिएक्शन फॉलो सेथजेफ रूल, बोलेंगे सेथजेफ रूल क्या था, सेथजेफ रूल ये था कि मोर स्टेबल एल्कीन बननी चाहिए, बस इतना सा रूल था, मोर स्टेबल एल्कीन इज सेथजेफ एल्कीन। वो सेथजेफ ने कोई नया काम तो नहीं बताया, वैसे तो आपको ही पता है इस बात का कि जो स्टेबल ज़्यादा होगा वो एज ए प्रोडक्ट मेजर ही बनेगा, तो ये काम सेथजेफ ने थोड़ा सा कोई बना दिया होगा तो उसको लोग ऐसे मानने लगे कि ये आदमी अच्छा है ना, और हॉफमैन एज ए मेजर प्रोडक्ट सेथजेफ रूल फॉलो करेगा, मोर स्टेबल एल्कीन वो बनाएगा, और जो दूसरी वाली जो होगी जो लेस स्टेबल होगी उसका नाम क्या लिखेंगे अपन, हॉफमैन। क्लियर है? तो पास में एक बात और लिखोगे, हॉफमैन का मीनिंग क्या है भाई, हॉफमैन एल्कीन मतलब, हॉफमैन एल्कीन का मतलब क्या समझते हो आप, तो जो अपने आप को लेस स्टेबल समझता है उसे अपन हॉफमैन एल्कीन बोलेंगे। क्लियर है? ओके एक इवन रिएक्शन के बारे में एक बात आप और लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अपने की पॉइंट को प्रोसीड करो। इवन रिएक्शन इज ए रिजियो सेलेक्टिव इन नेचर, ये जो वर्ड आया ना बच्चों, ये कोई भी रिएक्शन के लिए आ सकता है, रेजियो सेलेक्टिव। एक तीन चीज़ें होती है, एक होती है बच्चों स्टीरियो सेलेक्टिव, एक होती है रेजियो सेलेक्टिव, और एक होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा है, और स्पेसिफिक का मतलब होता है वो रिएक्टेंट साइड बात कर रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक है भाई, तो इसका मतलब केवल ये रिएक्टेंट देगा, आप इसकी जगह अगर कोई दूसरा लोगे तो वो नहीं देगा। और कई बार मैं ऐसा बोलूँ कि ये रिएक्शन सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ये सेलेक्ट करके बनाता है। जैसे याद है ना ब्रोमिनेशन, मैंने बोला ब्रोमिनेशन सर सेलेक्टिव थी, इट मींस व्हाट, ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जनरेट कर रहा था, है ना। तो सेलेक्टिविटी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिसिटी इज रिलेटेड टू रिएक्टेंट, बट स्टिल अभी ओनली अपन केवल सेलेक्टिव की बात कर रहा हूँ, रिजियो सेलेक्टिव। रिजियो का मतलब ये है कि वो डिफरेंट, जैसे मान लो टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें वो स्ट्रक्चरल आइसोमर की फॉर्मेट में बन रहे हैं। मान लो जैसे कि मान लो ये दो बने, है ना, ये प्रोडक्ट बताओ एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर ही तो है इनडायरेक्टली, ये वन इन है ये टू इन है, लेकिन फिर भी इनका अन इवन अमाउंट में बने ना, ये ज़्यादा बना ये कम बना। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर बने दो या दो से ज़्यादा लेकिन कोई बराबर मात्रा में नहीं बने, अन इवन अमाउंट में बने, तो अपन ऐसा बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के रिगार्डिंग रिएक्शन सेलेक्टिव है, सेलेक्ट कर रही है कि ये ज़्यादा बनेगा ये कम बनेगा, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज रिजियो सेलेक्टिव। तो इवन ऐसा करती है ना, इसलिए इवन रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव नेचर की होती है। रिजियो सेलेक्टिव में क्या लिखोगे बताओ, When two structural isomer product form in uneven amount, जब कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए कोई भी रिएक्शन, दो मान लो स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट की फॉर्मेट में बने और वो अन ईवन का मतलब होता है बच्चों कम ज़्यादा, तो उस केस में अपन ऐसा बोल देते हैं कि ये चीज़ जो या फिर ये रिएक्शन जो है वो एक रिजियो सेलेक्टिव है। क्लियर है ये बात? चलो अब अपन क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं जल्दी से, आज मैं उस टाइप का क्वेश्चन दे दूंगा, वो क्लोरीनेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, है ना, कितने नहीं बनेंगे उसके ऊपर करते हैं, चलो एक, है ना।
कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो पी एच सी एच टू और यहाँ पे सी एच टू और यहाँ पे, चलो छोटा सा ही करते हैं, चलो मेरे को कंसेप्ट ही तो पूछना आपसे, तो ये करते हैं ना, वैसे यहाँ पे लगेगा नहीं तो एक यहाँ लगा देता हूँ, हेलो, ताकि आपको कंसेप्ट आता है कि नहीं आता, बड़े छोटे की तो कोई बात नहीं है। आपको इसका क्लोरीनेशन कराना है, क्या कराना है इसका क्लोरीनेशन, तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे ए, तो ए जो होगा वो क्या होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब आप ये मत पूछना कि सर वो स्टीरियो वाले लेने हैं कि नहीं लेने, तो मैंने बोला ना टोटल, तो टोटल का मतलब उसमें सभी आ गए, तो वो एक आंसर तो ये हो जाएगा। अब ये जितने भी ए बनेंगे बच्चों, उसका आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना है, गर्म करना है, याद है ना, गर्म करने पर वो क्या सा जाते हैं, तो डेफिनेटली कम हो जाते हैं ना, तो बोले ये बी बनाना आपको, तो बोले बी यहाँ पे क्या होगा, टोटल फ्रैक्शन, आपको वो डब्बे बताने कितने फ्रैक्शन बनेंगे, कब, आफ्टर फ्रैक्शनल, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हाउ मेनी फ्रैक्शन यू गेट द बी आंसर। तो आपको ये बताना है कि भाई ए कितने बनेंगे, बी कितने बनेंगे, जैसे मान लो ए 5 बने, बी 3 बने, ए 6 बने, बी 2 बने, जो भी आपका आंसर आए ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या लगता है बच्चों कर पाओगे, चलो बताओ तो दिखाएं, आज देखते हैं कौन करेगा, क्लियर, थैंक यू।